फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक और ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ठीक है सो so, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो हम लोग यूजअली कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं हम लोग यूजअली कहते हैं कि वो ट्वीन एस्पेक्ट निभाता है ट्वीन एस्पेक्ट मतलब वो दो तरह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो करता है क्या क्या सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रोक्योरमेंट एंड देन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आर क्रूशियल टास्क फेस्ड बाय अ फाइनेंस मैनेजर ऑब्वियसली कि आपको कितने पैसे चाहिए वो आप जुगाड़ कर रहे हो यू आर अरेंजिंग दैट अमाउंट ऑफ फंड एंड देन आप वो फंड को अरेंज करने के बाद उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है उसे भी आप ही कर रहे हो ठीक है सो द फाइनेंस मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू लुक इन टू द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ एनी डिसीजन इन द फर्म दस ऑल डिसीजन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ फंडर द परव्यू ऑफ फाइनेंस मैनेजर ऑबियसली तो फाइनेंस मैनेजर रुपये का जो भी आ, कारनामा होता है वॉट एवर वर्क इज़ रिलेटेड टू मनी इन दी ऑर्गेनाइजेशन आई एम नॉट सीइंग किसी को कुछ खुचरे पैसे देने हैं सैलरी देने हैं या किसी को सफाई का लिए पैसा देना है या फिर कोई भी छोटे मोटे काम के लिए वो फाइनेंस मैनेजर का काम नहीं है फाइनेंस मैनेजर का काम है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना

टू अंडरस्टैंड बेटर मैनर में कि क्या क्या फंक्शंस एक फाइनेंस मैनेजर करता है सबसे पहला है एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स आई ऑलवेज टेल आई ऑलवेज से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू नो वॉट इज द रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कितना आपको क्या चाहिए आपको अगर पैसे चाहिए तो कितने पैसे चाहिए हाउ मच मनी डू यू नीड सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई पैसे देने वाला है इफ़ अ फाइनेंसर इज अवेलेबल इफ द बैंक इज रेडी टू गिव यू मनी इफ़ द शेयर होल्डर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन यूर कंपनी इट डजेंट रियली मीन दैट कि यू विल आस्क देम टू गिव ए नॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड जो आपको ज़रूरत नहीं है ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन कि पैसे कितने चाहिए हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ by by बाई क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ capacity of the organization and एंड uh, the machines that are available at its full capacity ठीक है ये सबको जानने के बाद ही आप पता कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं कि किताब में मैंने क्या लिखा है अब बिजनेस रिक्वायर्स फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेज दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन fixed एसेट्स एंड सो ऑन a careful estimate of such fund is required to be made an assessment has to be made regarding requirements of working capital involving estimation of amount of funds blocked in current assets and that likely uh, to be generated for short periods through current liabilities forecasting the requirement of fund is done by use of technique of budgetary control and long range planning Estimates of requirements of funds can be made only if all the physical activities of the organizations are forecasted. They can be translated into monetary terms. ये साफ साफ बताया पता चल गया यहाँ से कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल हम लोग हम लोग को लगता है ये हो सकता है कि पैसे कितने चाहिए वो बस आप दिमाग में कैलकुलेट कर लिए और हो गया ये ऐसे नहीं होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनली जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट में पैसे लगाने के लिए एंड आपका जो कोर वर्किंग कैपिटल है मतलब करंट एसेट में भी देखिएगा देर आर सर्टेन करंट एसेट्स विच आर ऑलवेज इन्वेस्टेड इन कंपनी मतलब हम लोग जब करंट रेशियो निकालते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ठीक है सॉरी वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी वो वर्किंग कैपिटल में भी जो कोर करेंट एसेट्स हैं मतलब कोर करेंट एसेट उस पार्ट को कहा जाता है जो कभी भी हम लोग के पास वो पैसे नहीं आते हैं अनटिल एंड अनलेस द कंपनी इज़ क्लोजिंग डाउन इट्स ऑपरेशंस मेरा कहने का मतलब है फिक्स्ड एसेट एक ऐसा प्रॉपर्टी हो गया कंपनी के लिए जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड इन द शॉर्ट रन ठीक है वो कभी भी शॉर्ट रन में हमारे पास पैसे नहीं आएंगे ठीक है मतलब क्या है कि आप एक मशीन अगर बिजनेस में खरीदते हैं या एक बिल्डिंग अगर आप खड़ा करते हैं या फिर एक बड़ी सी फर्नीचर खरीदते हैं या फिर कोई और प्लांट खरीद लिया आपने ठीक है आपने एक अपने फैक्ट्री में और एक फैक्ट्री आपने लगा लिया तो ये ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज फिक्सड एसेट इन्वेस्टमेंट्स सो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये रिकवरी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है करेंट एसेट ऑन दी अदर हैंड एक इस तरह का एसेट है कि उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है ना दैट इज रिकवर्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मतलब यूजअली वन ईयर एक साल के भीतर भीतर आपने जो भी पैसे करेंट एसेट में लगाए हैं दैट मनी विल बी रिकवर्ड सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्सड एसेट एंड करंट एसेट लेकिन अब करंट एसेट में भी सारे एसेट्स उस तरह के नहीं होते हैं कि जहाँ पर आपने पैसे लगाए वो एक साल के अंदर अंदर आपको रिकवरी हो गया देर आर सर्टन करंट एसेट्स विच आर विच रिमेन ब्लॉक्ड इन द कंपनी विच रिमेन ब्लॉक्ड इन द टोटल एसेट टोटल एसेट में वो हमेशा ब्लॉक रह जाता है ठीक है उसे हम लोग कहते हैं कोर करेंट एसेट अब अच्छा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊँ कि आप अगर एक साड़ी के दुकान में जाते हैं या फिर कोई कपड़े के दुकान में जाते हैं वी ऑलवेज सी दैट देर इज़ अ मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ स्टॉक ऑलवेज कप्ट इन द स्टॉक ऑलवेज कैप्ट इन द शॉप मतलब कुछ क्वान्टिटी ऑफ टी शर्ट्स शर्ट्स कपड़े वगैरह जो है ना वो हमेशा रहते हैं नहीं तो फिर दुकान चलेगी कैसे लोग आएंगे अगर वो देखना भी चाहेंगे तो उनको तो देखने के लिए कुछ सामान चाहिए तो वो जो देखेंगे वो तो उनके पास रेडी रहना पड़ेगा ना सामान मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट हंड्रेड पेयर्स ऑफ टी शर्ट्स हंड्रेड पेयर्स ऑफ शर्ट्स या फिर हंड्रेड पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स ये सारे एक दुकान में अपने को रखने ही पड़ेंगे सो so, जब भी सेल हो जाता है ना कुछ आइटम्स अगेन द शॉपकीपर और द ओनर ऑफ द कंपनी ओनर ऑफ़ द बिजनेस रिप्लेनिश करता है वो स्टॉक को तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ अमाउंट और कुछ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक जो है वो हमेशा बिजनेस में ब्लॉक रह गया तो ये पैसा जो है इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे जो भी पैसे आते हैं ना तो वो सोचना पड़ता है कि कंपनी को कितने पैसे यहाँ पे लगाने हैं सो इट इज़ अ क्रूशियल टास्क नाउ नेक्स्ट लेट अस गो टू डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर नाउ आफ्टर वी डिसाइडेड कि हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड बाई द कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट नाउ इट इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर टू टेल द कंपनी और टू डिसाइड विच आर दोर्सेस ऑफ फंड्स विच आर ऐप्ट फॉर द कंपनी मतलब आपने पैसे तो बता दिए कि कितने पैसे लगेंगे अब ये पैसे आएंगे कहाँ से ये पैसे आएँगे कहाँ से जहाँ से भी आएंगे वो आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके पता करना पड़ेगा मतलब पैसे देने के लिए ना बहुत लोग रहते हैं लोन मिल जाएगा इक्विटी शेयर से पैसे ले सकते हो प्रेफरेंस शेयर से पैसे ले सकते हो डिबेंचर से पैसे ले सकते हो बॉन्ड इश्यू आप कर सकते हो गव सरकार से आप हेल्प मांग सकते हो ठीक है सो देर आर रिटेन अर्निंग से आप पैसे निकाल सकते हो बिजनेस का तो देर आर सो मेनी रिसोर्सेस ऑफ फंड्स ठीक है सो मेनी सोर्सेस ऑफ फंड्स ना बट विच सोर्स इज most beneficial for the company that is very important to consider. so that is why हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना we estimate हम लोगों ने estimate कर लिया कि पैसे कितने चाहिए and then we critically analyze analyze that what are the sources that are available for us and at what cost. जैसे हमें पता है कि बैंक से अगर अपने लोन लेते हैं तो हमें वहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट जो है वो फिक्स होता है अगर कंपनी प्रॉफिट कमाए या फिर नहीं कमाए वो इंटरेस्ट कंपनी को बैंक को देने पड़ेगी उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स अगर मार्केट में अपने इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने को डिविडेंड देना ही पड़ेगा हर साल लेकिन प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड हम लोग तभी देंगे जब अपने प्रॉफिट करेंगे लेकिन सेम चीज़ तो इक्विटी शेयर वालों के लिए भी है इक्विटी शेयर वालों के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर कंपनी मुनाफा नहीं करती है अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है इन दैट केस द कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी सॉर्ट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या होता है कि डिविडेंड अगर आप नहीं दे सकते हो इस साल तो मत दो लेकिन वो आपका बंद गया वो ड्यूब रह गया अगले साल जब आप मुनाफा कमाओगे ना तो पिछले साल वाला डिविडेंड और इस साल वाला डिविडेंड दोनों को मिला के आप इस साल पेमेंट करोगे ठीक है और प्रेफरेंस शेयर को हम लोग आगे प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि डिविडेंड जब देने का मौका आता है ना तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा उसी तरह से डिबेंचर्स भी हैं ठीक है जो फंड डिबेंचर जो है वो एक तरह का लोन फंड हो गया जो पब्लिक को दिया जाता है और पब्लिक जो है उसमें पैसे लगा के हमें वो देती है तो इस तरह के जो सोर्सेस हैं ये सोर्सेस हमें अवेलेबल है हमारे पास कि यहाँ से अपने पैसे अरेंज कर सकते हैं बट वी हैव टू कंसिडर टू थिंग्स फर्स्ट कॉस्ट एंड द सेकेंड कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि अपने को पता है कि जो लोन फ्रॉम बैंक है वहाँ पे एक इंटरेस्ट लगता है जो हमें देना ही पड़ेगा चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए और वो इंटरेस्ट जो है ना वो एक छोटी सी अमाउंट होती है एंड दैट इज़ नॉट वेरी बिग अमाउंट सो दैट अमाउंट वॉट एवर द कंपनी इज़ पेइंग वो फिक्स्ड है तो यहाँ पे एक रिस्क भी है अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है तो फिर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देने में दिक्कत आएगा ऑन दी अदर हैंड अगर आप कहते हो कि uh, सर फिर इक्विटी शेयर जो है वो सेफ है हमारे लिए लेकिन हाँ डेफिनेटली वो सेफ़ है लेकिन आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा हमने देखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं अगर वो कंपनी में पैसे लगाते हैं अगर वो हमारे कंपनी शे, के शेयर्स के मालिक हैं तो फिर वो पूरे कंपनी के भी मालिक हैं जितना पोर्शन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उतने पोर्शन का वो मालिक है ऐसा नहीं है कि पूरे कंपनी का मालिक बन जाएंगे इसका मतलब ये है कि पहले मैं अकेला मालिक था अब मेरे साथ और आ, दस लोग मालिक हैं तो सबके बाद सबकी सबका जो ओपिनियन है वो हमें सुनना पड़ेगा सबको डिसीजन जब भी हम लोग लेंगे तो सबके पास जा जा के पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा तो हाथ से कंट्रोल चला गया अगर इक्विटी शेयर को आप कहते हैं कि सर ये तो फिर चीप भी है ना ये तो सस्ता भी है अपने को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा जब अपनी कंपनी में प्रॉफिट नहीं कमाते हैं लेकिन ये सही बात नहीं है आप अगर एक कंपनी में आप अगर एक कंपनी में शेयर होल्डर हैं जब भी कंपनी डिविडेंड जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो पहले तो वो अपना सारा खर्चा पेमेंट कर देगी लेकिन जो भी पैसा बचेगा जो भी बचेगा वो पूरा डिविडेंड के तौर पे इक्विटी शेयर होल्डर के हाथों में भी हाथों में डिवाइड होगा तब समझ लीजिए कि जितना भी बचेगा जितना भी बचेगा वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर लोग ही तो हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी में एक्सपेक्टेड कर एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उन्हें बहुत बड़ा रिटर्न प्रोवाइड करेगी एंड इसीलिए ये बन जाता है मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल फंड रिसोर्स सो यहाँ पे डिसीजन हमें ये लेना पड़ता है कि जब भी एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करवाती है ठीक है चाहे वो इक्विटी uh, से हो चाहे वो प्रेफरेंस से हो चाहे वो डिबेंचर से हो वो हमेशा ये ध्यान रखती है कि उसका कॉस्ट और उसका कंट्रोल दोनों ही बेनिफिशियल पॉइंट पे रहे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ना उसका कंट्रोल ज्यादा चला जाए और ना उसका कॉस्ट ज्यादा लग जाए ठीक है हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसे हम लोग जब फाइनेंस करते हैं ना क्योंकि फिक्स्ड एसेट रिमेन विद कंपनी फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम सो वी यूजुअली प्रेफर कि उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है ना दैट इन्वेस्टमेंट इज डन बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑन द अदर हैंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम लोग करवाते हैं आपका जो करेंट एसेट्स है उस पर यूजली ठीक है सो so, इस तरह से हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं अच्छा और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कंपनी शुड यूज ओनली वन सोर्स ऑफ फंड मतलब आपके पास इतने सारे सोर्सेस हैं आपके पास इक्विटी है प्रेफरेंस है डिवेंचर्स है लोन है कितने सारे आपके पास सोर्सेस हैं चॉइसेस हैं जहाँ से आप पैसे अरेंज कर सकते हैं सो इट इज़ द कंपनी विच विल बी डिसाइडिंग कि कहाँ से पैसे चाहिए और कितने पैसे चाहिए ठीक है सो so बात यह है कि एक कंपनी मिक्स कर सकती है मिक्स करेगी कि इक्विटी का थोड़ा सा पैसा मतलब वो क्या करेगी कि सर्टेन सपोज मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ कि अगर एक कंपनी को सपोज़ सपोज uh, दो कर वन फाइव लाख रुपीज़ चाहिए ठीक है सो टोटल फंड जो है वो फाइव लाख चाहिए अब ये फाइव लाख जो है हो सकता है वो क्या करेगी इक्विटी से सपोज़ वो एक लाख अरेंज कर ली लोन से वो हो सकता है दो लाख अरेंज कर ली प्रेफरेंस से वो और एक लाख और फिर डिबेंचर से वो और एक लाख तो देखो इस तरह से वो पाँच लाख रुपए अरेंज कर ली तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस मिक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर यहां पे जो कैपिटल स्ट्रक्चर का बात कहा गया है ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का बात कहा गया है इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कि कंपनी जो है मिक्सचर ऑफ फंड यूज कर रही है टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशन ठीक है सो so इस तरह से हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं अभी इसका हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल के एक स्पेसिफिक चैप्टर है जहाँ पे हर एक कैपिटल का हर एक फंड का हम लोग खर्चा निकालेंगे कि कितना कॉस्ट लग जाता है जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में हो सकता है ये ये कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया ये सपोज ऑप्शन वन है ऑप्शन टू अपने और कर सकते हैं यहाँ पे कि सपोज ऑप्शन टू में आपने कर दिए कि इक्विटी में ज़्यादा पैसा ले लो भैया और लोन में ज़्यादा पैसा लोन में भी उतना ही ले लो बाकी जो भी पैसा बचेगा ना उसमें आप प्रेफरेंस मत इशू करो आप एक लाख का लोन ले लो सो इट इज अनादर पार्ट ऑफ फाइनेंस अब और एक ऑप्शन हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर का कि हो सकता है कि आप चार uh, तीन लाख रुपया आपने इक्विटी शेयर ले लिया आपने लोन नहीं लिया और आप फिर दो लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर से ले लिए ठीक है सो so, इस तरह से आप न्यूमरस कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं वॉट एवर विच एवर कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स यू लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वो कैपिटल स्ट्रक्चर को अपने एक्सेप्ट करेंगे और उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे चलो नाउ लेट इस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है देखो आफ्टर फाइंडिंग आउट फ्रॉम वेयर आर यू अरेंजिंग ऑल दिस मनी नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आउट ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस और ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस विच इन्वेस्टमेंट आर यू गोइंग टू डू मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास आप सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपके पास से फाइव लाख रुपीस हैं ठीक है आपको बोला गया है कि आप गाड़ी ख़रीद के लाओ चार चक्का ठीक है एक कार ख़रीद के ले आओ so that car should be should be within the within the within the uh, uh, cost of five lakh rupees पांच लाख रुपये आपका आपके पास total capital है अब आपको खोजना है कि out of all the car brands and out of all the cars which car is best suited for your purpose आया समझ में तो हो सकता है आप option किस ऑप्शन में आप जाएंगे ऑप्शन आपके पास हो सकता है वन है टू है थ्री है फोर है इस तरह से चार ऑप्शन है चार में से आप किस इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में सपोज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि दीज आर दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नाउ यू हैव टू डिसाइड विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज बेस्ट फॉर यू सिंपल सा बात है कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट वी ऑलवेज थिंक इट एज विच प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गिव अस मैक्सिमम बेनिफिट इफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज गिविंग मी आउट ऑफ ऑल दी सपोज वन टू थ्री फोर में से जो नंबर तीन है ना वो सबसे ज़्यादा मेरे को रिटर्न प्रोवाइड करेगा लेकिन वो रिटर्न प्रोवाइड करेगा भी लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी लंबा भी चलाना पड़ेगा मेरे को सपोज उसमें मेरा कैपिटल फंड जो है वो दस साल के लिए ब्लॉक हो गया ऑन दी अदर हैंड नंबर दो जो है वो आपको जो पैसा है जो जितना भी आपने पाँच लाख रुपए लगाया ना वो पाँच लाख ,00 आपको तीन साल के अंदर अंदर वो लौटा देगा सो फॉर मी आई विल कंसिडर प्रोजेक्ट नंबर टू बिकॉज मेरे पास तीन साल के अंदर अंदर मेरा पूरा फंड जो है मेरे हाथों में आ गया तीन साल के बाद जो भी पैसा ये प्रोजेक्ट कमाएगा ना वो पूरा 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 प्रॉफिट है ठीक है पूरा प्रॉफिट है सो देर आर देर आर मेनी मोर फैक्टर्स विच वी हैव टू कंसिडर वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू वन ऑफ द फैक्टर कि पैसे कितने जल्दी मेरे को मिल जाए वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना देर आर अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑल्सो कि विच च प्रोजेक्ट इज गिव इज गोइंग टू गिव मी मैक्सिमम फंड एज रिटर्न जिसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं मैंने जो कहा कि कौन सा प्रोजेक्ट है विच इज गोइंग टू गिव मी द रिटर्न एट दी अर्लिएस्ट वी कॉल दैम पे बैक पीरियड ठीक है सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच टेल्स आस विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीशन ठीक है पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म फंड इज हाँ हाँ बोलो सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि अपने कौन सा इन्वेस्टमेंट जब अपने हाथों में पैसे रहते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं कौन सा दरवाजा आपको खोल के वहां से आपको वो ऑप्शन चूज करना है वो आपके ऊपर है एंड दैट ऑप्शन शुड ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ द कंपनी कंपनी के फेवर में होना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट के uh, रस्ते में होना चाहिए चलिए ना लेट एस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिविडेंट डिसीजन ना वॉट इज डिविडेंट डिसीजन ना आफ्टर डिसाइडिंग विच इन्वेस्टमेंट डिसीजन यू आर गोइंग टू ऑप्ट नाओ कम्स प्रॉफिट आप इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से कर लिए करने करने के बाद आप अब पैसे कमा रहे हैं पैसे कमा रहे हैं अब ये पैसे जब आप कमा रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा आप क्या करेंगे डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को देंगे दे विल बी हैप्पी फॉर यू फॉर देम कि उन लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट सही था वो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं था एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू प्रूव देम इज गोइंग इज़ नाउ गोइंग टू गिव देम रिटर्न वो पैसे दे रही है उनको बट फ्रॉम कंपनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचो कि जब कंपनी को ग्रो करना है द कंपनी इज़ इन द मूड ऑफ ग्रोइंग ऑल कंपनीज़ आर इन द मूड ऑफ ग्रोइंग एवरी टाइम आज कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती है कि जिसको ग्रो नहीं करना है वो ऐसे थोड़ी सोचती है उसके पास एक ऑफिस है तो वो सोचेगी कि अगले साल उसके पास दो ऑफिस हो पिछले उसके अगले साल चार ऑफिस हो चार फैक्ट्रियाँ हों तो डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है कि आप जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से आप कितना पोर्शन है जो कि आप शेयर होल्डर को बांटेंगे और कितना पोर्शन है जो आप कंपनी के अंदर ही रख देंगे ठीक है आप कितना पोर्शन है दैट यू आर गोइंग टू कीप इनसाइड द कंपनी एज रिटेन्ड अर्निंग एंड हाउ मच आर यू गोइंग टू हाउ मच आर यू गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट सो यहाँ पे दो बातें आ जाती है एक आता है रिटेंशन रेशियो और एक है आपका पे आउट रेशियो रिटेंशन का मतलब है आप कितना पैसा जो है कंपनी में एज रिटेन्ड अर्निंग्स रखना चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ एनी फ्यूचर कंटिजेंसी और फॉर द पर्पस ऑफ एनी जनरल पर्पस दैट यू थिंक इट इज एप्लीकेबल इन द फ्यूचर पे आउट रेशियो का मतलब हो गया कि हाउ मच फंड आर यू एक्चुअली कीपिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड आप डिविडेंड के तौर पे कितना पैसा रखना चाहते हैं जो आपके शेयर होल्डर्स लोगों को हैप्पी करेगा सेटिस्फाई करेगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप पूरा डिविडेंड अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे देते हैं तो दे विल बी हैप्पी बट इन द कमिंग ईयर देयर एक्सपेक्टेशन विल राइज उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा और वो आपके लिए बहुत प्रेशर वाली बात हो जाएगी सो इट इज ऑलवेज़ एडवाइजबल किप योर डिविडेंट इन सच अ मैनर दैट देयर एक्सपेक्टेशन वॉट एवर एक्सपेक्टेशन इज़ जनरेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ एनी इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आपके आपके केपेबिलिटी के अंदर अंदर हो ठीक है आप जितना भी पैसे प्रॉफिट के तौर पर कमा रहे हैं उसको आप डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो होना चाहिए now now let us come to the next topic next point that is supply of funds to all parts of organization or cash management the finance manager has to ensure that all sections that is branches factories units or departments of the organizations are supplied with adequate funds sections having excess funds contribute to the central pool for use in other sections that needs funds

डिपार्टमेंट वी हैव टू एनालाइज इट और वो फंड हमें उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि उसका ऑपरेशन न रुक जाए इवन इफ वन ऑफ द मेनी ब्रांचेस इज शॉर्ट ऑफ फंड होल बिजनेस मे बी इन डेंजर द कैश मैनेजमेंट एंड कैश डिसबर्समेंट पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट विद अ व्यू टू सप्लाइंग एडुकेट फंड एट ऑल टाइम्स एंड पॉइंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट शुड इंश्योर दैट देयर इज़ नो एक्सेसिव कैश आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैश आपके पास पड़ा हुआ है एंड यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट मनी इसका मतलब क्या है आपके पास एक्सेस पैसे हैं यू हैव टेकन मोर फंड फ्रॉम योर रिसोर्सेस आपने ज़्यादा पैसे ले लिए कैपिटल से अब अगर वैसा सिचुएशन होता है ना तो आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि जो भी पैसा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो आपके पास पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है कि उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा है पड़ रहा है बट उसमें आपका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने पांच लाख रुपए जुगाड़ किया था आउट ऑफ दैट ओनली थ्री लाख इज इन्वेस्टेड बाकी दो लाख जो है ना वो आपके पास आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है सपोज पंद्रह परसेंट के रेट पे ठीक है बैंक को आपको पंद्रह परसेंट के रेट में इंटरेस्ट देना है जबकि बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है तीन परसेंट चार परसेंट का इंटरेस्ट देता है सेविंग्स अकाउंट पे सो रिमेनिंग नाइन टेन एंड इलेवन परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट जो है वो आपके बिजनेस से भरना पड़ेगा एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी एंड दैट इज नॉट अ रीजनेबल टास्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कंपनी सो जो भी पैसे आपके पास हैं आपको क्रिटिकली उसको भापना पड़ेगा कि वो पैसा एकदम से इन्वेस्ट हो जाना चाहिए ना नो कैश कैश शुड बी इन एक्सेस इन द कंपनी कैश नहीं रहना चाहिए बिकॉज एक्सेस कैश का मतलब है वी आर लूजिंग इनकम एंड वी आर काउंटिंग इंटरेस्ट नाउ लेट लेटेस्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम्स आर यूजली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जाम्पल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिस्टम ऑफ डिवीजनल कंट्रोल फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू कॉन्स्टेंटली रिव्यू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द ऑर्गनाइजेशन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हेल्प्स द मैनेजमेंट फॉर असेसिंग हाउ द फंडस आर यूटिलाइज इन वेरियस डिविजन्स एंड वॉट कैन बी डन टू इम्प्रूव इट बहुत अच्छा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब हम लोग को देखना होता है तो हम लोग कैसे देखेंगे देर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गनाइजेशन और हर डिपार्टमेंट को अपने पैसे दे रखे हैं हर डिपार्टमेंट में पैसा इन्वेस्टेड है सो वी हैव टू फाइंड आउट अ करेक्ट मैनर दैट वेदर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर एक्चुअली जस्टिफाइंग दी इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव मेड जो भी पैसा हम लोगों ने उस पर्टिकुलर डिवीजन में इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइबल है कि नहीं ठीक है मतलब आप अगर पांच लाख में से पचास हजार एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं क्या वो डिपार्टमेंट आपको पचास हजार के ऊपर इन्वेस्टमेंट सही तौर पे प्रोवाइड कर रही है रिटर्न सही तौर पे प्रोवाइड कर रही है अगर कर रही है इसका मतलब है द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन और द डिपार्टमेंट इज गुड और नहीं कर रही है तो वी हैव टू थिंक ऑफ इट्स ऑफ सम अदर वे नाउ नेक्स्ट फाइनेंशियल नेगोशिएशन देखो फाइनेंस मैनेजर के इसके अलावा और भी बहुत ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बैंक में जाके शेयर होल्डर के पास जाके नेगोशिएट करना अगर कंपनी को लोन चाहिए फंड्स चाहिए तो वो जो भी रिसोर्सेस है उसके पास जाता है जाके वहाँ पे बात करता है कि हमें इतने सारे पैसे चाहिए कहाँ से जुगाड़ करें किस तरह से करें वो आप सजेस्ट करिए और वो आप हमें दीजिए सो लोन वाला जो लोन मैनेजर है या फिर जो बैंक है वो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है तो फाइनेंस मैनेजर का काम है कि इंटरेस्ट को कम से कम रखो और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी के फेवर में हो इसे कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल नेगोशिएशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग इन टच विद स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन एंड बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइसेस ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक फाइनेंस मैनेजर को कंटिन्यूअस तरीके से जितने भी शेयर मार्केट है स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ठीक है जहाँ पे इस कंपनी का जिस कंपनी का आप फाइनेंस मैनेजर है उस कंपनी का शेयर्स लिस्ट किया हुआ है और वहाँ से पता चलता है कि आपका कंपनी का रेपूटेशन आपका कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके कंपनी का ओवरऑल सोशल वैल्यू कितना है लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में आपके कंपनी के बारे में वो आपको उन सारे मार्केट्स में जाके पता चलेगा ठीक है इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ मेजर ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट एंड जजिंग देयर इंपैक्ट ऑन दजिंग शेयर प्राइसेस ऑफ द कंपनीज शेयर्स और ये जो है जो भी बिहेवियर होता है शेयर मार्केट में वो सारे बिहेवियर जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी बिकॉज वो बिहेवियर डिसाइड करता है कि कंपनी का टोटल शेयर वैल्यू कितना होगा तो लास्ट वाला पॉइंट में क्या है कि एक फाइनेंस मैनेजर हमेशा ये देखता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट शेयर मार्केट्स में जहाँ जहाँ पे जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया ये हर जगह पे कंपनी के जो शेयर्स हैं ना वो वहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं मतलब पब्लिक वहाँ पे जाके कंपनी का शेयर्स को खरीद सकती है तो फाइनेंस मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वो सारे मार्केट को एनालसिस करे और वो सारे मार्केट में देखें कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है शेयर्स के दाम कितने चल रहे हैं उस तरह से पता चलता है कि फ्यूचर में कंपनी का शेयर का प्राइस कितना होगा और कंपनी का मार्केट में क्या रेपुटेशन है वॉट पीपल वॉट पीपल आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन थिंक अबाउट द कंपनी